हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज दिन की शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। इस वीडियो में 28 नवंबर 2019 के करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। और पहला क्वेश्चन आज की सबसे बड़ी न्यूज, रिसेंटली अ बिल टू मर्जर ऑफ टू यूटीज हैज बीन पास्ड इन लोकसभा। आपसे कह रहा है कि अभी हाल ही में ये दो यूटी कौन सी है जिनके मर्जर के लिए लोकसभा में बिल को पारित कर दिया गया है, बिल को पास कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है आज की डेट में। आपको बता दूं कल की तारीख थी 27, तो कल 27 तारीख को लोकसभा में बिल पास हो गया है कि दमन दीव और दादर और नगर हवेली इन दोनों यूटीज को मर्ज कर दिया जाएगा। लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर ये आपका दमन पड़ता है, ये आपका दीव पड़ता है और दादर एंड नगर हवेली की भी लोकेशन इसकी इसी के बराबर में है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो इन दोनों का मर्जर, इन दोनों लोकेशंस का मर्जर कर दिया जाएगा। ओके, तो दमनदीव एंड दादर एंड नगर हवेली, दोनों ध्यान रखिएगा नाम, इन दोनों का मर्जर के लिए अभी हाल ही में बिल लोकसभा में अप्रूव कर दिया गया है कल की डेट में। और आज माफी चाहता हूं आप सभी से, क्योंकि आज टाइम की कमी होने की वजह से हिंदी टाइपिंग नहीं हो पाई है। बट परेशान ना होइए, आराम से पढ़िए, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, आपको सारी चीजें समझ आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ हेल्पलाइन नंबर, ये हेल्पलाइन नंबर है 1400 फॉर करप्शन रिलेटेड कंप्लेंट्स। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में 14400 ये हेल्पलाइन नंबर जारी करी है। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके रिपोर्ट दर्ज करा सकते हो करप्शन रिलेटेड। इस राज्य में करप्शन से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट अगर होती है तो आप 1400 पर करा सकते हो उसे दर्ज। ये राज्य सरकार कौन सी है? ये राज्य सरकार है YS जगमोहन रेड्डी की सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार। यहां पर YS जगमोहन रेड्डी की सरकार है और ये फैसला लिया गया है यहाँ के लोकायुक्त के द्वारा। यहाँ के लोकायुक्त कौन है? यहाँ के लोकायुक्त हैं लक्ष्मण रेड्डी, पी लक्ष्मण रेड्डी। तो पी लक्ष्मण रेड्डी के द्वारा यह फैसला लिया गया और फाइनली राज्य सरकार में इसको YS जगमोहन रेड्डी के थ्रू अप्लाई कर दिया गया। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो आंध्र प्रदेश के गवर्नर इस टाइम पे कौन है? गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश की जो सरकार है YS जगमोहन रेड्डी की सरकार, इन्होंने कुछ टाइम पहले 75% आरक्षण लागू किया है पूरे राज्य में। ये जो 75% रिजर्वेशन इन्होंने लागू किया है ये आंध्र प्रदेश के डोमिसाइल्स के लिए लागू किया गया है। इसका मतलब यह है कि आंध्र प्रदेश में जितनी भी प्राइवेट नौकरियां होंगी तो 100 में से 75 नौकरियों के लिए एलिजिबल कौन होंगे? आंध्र प्रदेश के ही लोग। कोई बाहरी सिर्फ और सिर्फ इन 25 सीटों पर फाइट कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। अभी हाल ही में इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इनॉग्रेट किया गया भारत के कौन से शहर में? इसको इनॉग्रेट किया गया हैदराबाद में। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपसे कई बार पूछ देता है इंडियन रेलवे यूनिवर्सिटी कहां पर है, तो इंडियन रेलवे यूनिवर्सिटी है वडोदरा में, वडोदरा गुजरात। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ CPCCA, मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अथॉरिटी। अभी हाल ही में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अथॉरिटी के पहले चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो पाकिस्तान सरकार ने अपॉइंट किया है, इनका नाम है असीम सलीम बाजवा। ओके, और इनकी पोस्ट क्या है? ये लेफ्टिनेंट जनरल है। ये अपने काफी इंटेलिजेंस और एग्रेसिव नेचर की वजह से जाने जाते हैं। अब देखिए मुद्दा क्या है, अभी यहां पर देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत पाकिस्तान और चाइना दोनों के ऊपर दबाव बना रहा है कि चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से हटा दिया जाए। पाकिस्तान भी इस तर्ज पर है कि जल्द से जल्द ये इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरा हो जाए। जितनी जल्दी ये इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरा हो जाएगा चाइना उतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट वहां पर लेगा। चाइना जितनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट वहां पर रखेगा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उतना ही भारत के लिए ये दिक्कत वाली बात होने वाली है। ओके, सो पाकिस्तान अब इस टाइम पर ये चाह रहा है कि कितनी जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जल्द से जल्द उन्होंने क्या किया है, अपने लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीम बाजवा को वहां पर एसोसिएट कर दिया है। इसको इनको यहां पर चेयरमैन बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो अल्टीमेटली इनके ऊपर यही दारोमदार है, इनको यही बोला गया है कि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा कराया जाए। पाकिस्तान में सरकार किसकी है? पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार है। इनकी पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ। बाय द वे आपको बता दूं एक और न्यूज है, उसके लिए क्वेश्चन जरूरी नहीं था बट ऐसे ही आपको बता देता हूं। इमरान खान ने अगस्त 2019 में अपने जो आर्मी जनरल हैं बाजवा साहब,
उनका जो टेन्योर है वो 3 साल के लिए बढ़ाने के लिए एक्सटेंशन दे दिया था कि 3 साल बाद वो रिटायर होंगे। वो अभी रिटायर हो रहे हैं दिसंबर 2020 में, लेकिन 3 साल का जो उनका टेन्योर था वो इमरान खान ने बढ़ा दिया था। अब इस केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में वो केस पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में कल ही फैसला दे दिया है, निरस्त कर दिया है। वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है उनकी अपील। मतलब कहने का कि जो बाजवा साहब हैं आर्मी चीफ, उनका जो टेन्योर है वो नहीं बढ़ेगा और वो दिसंबर 2019 में ही रिटायर होंगे। बाय द वे आपको बता दूं, दिसंबर 2019 में हमारे आर्मी चीफ भी रिटायर हो रहे हैं, जनरल बिपिन रावत। उनसे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अभी आगे पढ़ेंगे। विच सिटी विल होस्ट 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप? 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कौन सा शहर होस्ट करेगा? इसको होस्ट करेगा उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। और आपको बता दूं, याद दिला दूं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, नवीन पटनायक ने इस बार अनाउंस किया था कि अगले 5 सालों तक, नेक्स्ट 5 ईयर्स तक, जो नेशनल हॉकी टीम है हमारी उसको स्पॉन्सर करेगी उड़ीसा सरकार। तो आप देख रहे हो उड़ीसा सरकार ने हॉकी टीम को फिर से स्पॉन्सर किया है। तो 2023 का जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है इसको होस्ट करेगा भुवनेश्वर। और नवीन पटनायक कौन सी बार चीफ मिनिस्टर बने? इस बार ये 5वीं बार एज अ चीफ मिनिस्टर की पोस्ट सर्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द नॉमिनेशन ऑफ एटलीस्ट वन डिफरेंटली एबल्ड मेंबर टू एवरी पंचायत? क्वेश्चन का मतलब समझो पहले, क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में ये अप्रूवल दिया है कि हर पंचायत में कम से कम एक मेंबर डिफरेंटली एबल्ड होगा। तो ये राज्य सरकार कौन सी है? ये भूपेश बघेल की सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि हर पंचायत में कम से कम एक मेंबर डिफरेंटली एबल्ड होना ही होना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में एक और क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है, भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने गार्बेज कैफे लॉन्च किया है। गार्बेज कैफे, ये गार्बेज कैफे क्या है? गार्बेज कैफे की खास बात है, यहां पर आप 1 kg प्लास्टिक लेकर जाइए, 1 किलो प्लास्टिक लेकर जाइए और उसके बदले में 1 टाइम का मील आपको मिलेगा, 1 टाइम का खाना मिलेगा आपको। और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, आसाम में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार है और उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है। एक और यहाँ पर क्वेश्चन आसाम सरकार से बन रहा है, वो भी आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में आसाम सरकार ने अरुंधति गोल्ड स्कीम लॉन्च करी है। अब ये जो अरुंधति गोल्ड स्कीम है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आसाम सरकार का कहना है कि आसाम में कोई भी महिला जो कि कम से कम 10वीं पास होगी, उस हर महिला की शादी में सरकार की तरफ से 10 ग्राम सोना दिया जाएगा, मतलब 1 तोला सोना दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बिकम द फर्स्ट CDS, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बनने जा रहे हैं? ये बनेंगे जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत साहब बनेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के पहले। अभी ये क्या है? अभी ये हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अभी ये CAS हैं, अब ये CDS बनेंगे। अब देखो CAS का मतलब क्या है? CAS का मतलब तो आपको पता ही है, ये आर्मी के चीफ हैं, इससे ऊपर आर्मी में कोई पोस्ट नहीं है। अब CDS का फिर क्या मतलब है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आज तक कोई भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना ही नहीं है, ये पहले CDS होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का मतलब एक ऐसी सीट जो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जिसको तीनों इस सीट को रिपोर्ट करेंगे, एक ऐसा पर्सन जो कि तीनों कमांड से रिसीव लेगा, तीनों कमांड से क्या करेगा, रिपोर्ट लेगा। सो दैट इज नोन एज CDS। आज तक ऐसी सीट नहीं बनी थी, अभी हाल ही में इसका गठन किया गया है। आपको बता दूं, पहली बार इसकी रिकमेंडेशन जब कारगिल वॉर हुआ था 1999 में, उस टाइम पर कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने पहली बार इसका आइडिया दिया था कि CDS का प्रावधान लाया जाए। तो CDS की पोस्ट को का प्रावधान पहली बार लाया गया है और पहले CDS बनेंगे जनरल बिपिन रावत। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये कब तक रहेंगे? 2 साल तक इनका टेन्योर रहेगा, 2 साल ये CDS की पोस्ट पर रहेंगे अगले। अभी हाल ही में दिसंबर 2020 में रिटायर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वी हैव सेलिब्रेटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन विस डेट? अभी हाल ही में हम लोगों ने भारतीय संविधान दिवस मनाया किस दिन? तो ये मनाते हैं हर साल 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था और 26 नवंबर 1950 में संविधान दिवस को संविधान में हस्तांतरित कर लिया गया था, इसको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसको निहित कर लिया गया था, लिख लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद आइकन ऑफ गोल्डन जुबली अवार्ड इन IIFF 2019?
आपसे कह रहा है IIFF 2019, मतलब इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2019 में आइकन ऑफ गोल्डन जुबली अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किए गए हैं रजनीकांत, और रजनीकांत को सम्मानित किसने किया? अमिताभ बच्चन, और साथ में क्योंकि ये गोवा में हुआ तो गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत और अमिताभ बच्चन दोनों ने मिलकर रजनीकांत को सम्मानित किया यहां पर आइकन ऑफ गोल्डन जुबली अवार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज एक्सटेंडेड फाइनेंस कमीशन टिल विच टेन्योर? अभी हाल ही में क्या हुआ कि यूनियन कैबिनेट ने, मतलब नरेंद्र मोदी ने, फाइनेंस कमीशन को एक्सटेंड कर दिया, इसका टाइम एक्सटेंड कर दिया। कब तक के लिए? अब फाइनेंस कमीशन ये चलेगा अक्टूबर 2020 तक। इसको एक्सटेंड कब तक कर दिया? अक्टूबर 2020 तक। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, फाइनेंस कमीशन कौन सा चल रहा है? ये 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है। इसके चेयरपर्सन कौन है? इसके चेयरपर्सन है आईएएस ऑफिसर एनके सिंह, इनका पूरा नाम है नंद किशोर सिंह। फाइनेंस कमीशन के बारे में आपको बता देता हूं, आर्टिकल ध्यान रखिए, बहुत बार पूछ देता है एग्जाम में। इसके लिए आर्टिकल 280, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 280 सेज देयर शैल बी अ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। साथ ही में आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था। फाइनेंस कमीशन हमारा एस्टैब्लिश किया गया था 22 नवंबर 1951 में। आई होप सभी क्वेश्चन आज के आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जो लोग अन अकेडमी में मेरी लाइव क्लासेस करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं, डेली करंट अफेयर का क्रैश कोर्स तो चल ही रहा है, और साथ में 6 दिसंबर से एक क्रैश कोर्स आने वाला है स्पेशली सीजीएल के लिए, जो सीजीएल आपका 2 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एसएससी एग्जामिनेशन देन यू हैव टू ज्वाइन दिस क्लासेस। अन अकेडमी में सब्सक्रिप्शन के लिए ये है मेरा रेफरल कोड Varun777, इसका अगर आप यूज करेंगे एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको अन अकेडमी पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए, और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दिया करें। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।